हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है फर्स्ट टाइम विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं तो आपको जो है यहां पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पूछता है तो आप जो है उस अकाउंट को कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर सेटअप कम्प्लीट कर लेता हूँ तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लेट्स ऐड योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको इजीली बाईपास कर सकते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को जो है बंद कर देना है, यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जो है दोस्तों यहाँ पर कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो कमेंट प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करना है, आपको आप जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो है शिफ्ट प्लस फंक्शन प्लस F10 आप प्रेस कर देंगे तो कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास कमेंट प्रॉम्प्ट ऐसे ओपन नहीं हो रहा तो शिफ्ट प्लस F10 प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से कमेंट टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट को आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक और कमेंट जो है टाइप कर देना है। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहां पर कमेंट टाइप करना है, उसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बाईपास हो गया है। तो इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।